11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। लौट के आया हूँ एक बार फिर से, दोबारा लेकर आया हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 18। जी हाँ, वो सभी स्टूडेंट्स जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि इस समय हमारी फिजिक्स में क्लास 11th की अगर कोई यूनिट चल रही है तो वो है यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की यूनिट का जो भाग मैं करा रहा हूं उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और आज का ये वीडियो लेक्चर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 6th वीडियो लेक्चर है। जी हाँ, इससे पहले मैं 5 वीडियो लेक्चर्स दे चुका हूं और मुझे ये बात कहने में बहुत खुशी हो रही है कि आज का वीडियो लेक्चर आप देखते ही इस बात की संतुष्टि के साथ जी सकते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज वाला हिस्सा खत्म हो गया। मतलब सिर्फ 6 वीडियो लेक्चर्स में क्या ये हम मान लें कि सारे टॉपिक्स कवर हो गए? नहीं। एक बच्चा कहता है फिर जब आप कह रहे हो कि ये लास्ट वीडियो लेक्चर है तो फिर हम कैसे मानेंगे कि सारे टॉपिक खत्म हो गए जब आप खुद कह रहे हो कि नहीं? ऐसा इसलिए कि अगर कुछ टॉपिक्स बचेंगे तो उनको आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर ना करने का एक छोटा सा कारण है। कारण यह है कि वो सारे टॉपिक्स आगे आने वाली एक यूनिट थर्मोडायनेमिक्स में रिपीट होते हैं, जहां मैंने उन यूनिट्स के अंदर उन टॉपिक्स को समझाने का अलग तरीके से प्लानिंग किया है। और जब मैं उन यूनिट्स के वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं आपको जरूर बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीजें पढ़ाऊंगा जो इस यूनिट में और उस यूनिट में कॉमन है। और जो बातें बतानी बाकी है वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। एक यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स, वहां भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, और इसलिए इस वीडियो लेक्चर में वो नहीं पढ़ते हो। तो फिर आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं? आज क्योंकि मैंने बताया कि इस यूनिट का आखिरी टॉपिक ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, तो वो आखिरी टॉपिक का नाम है द चेंज ऑफ स्टेट। एक बच्चा कहता है चेंज ऑफ स्टेट के कहीं ये वो वाला टॉपिक तो नहीं है जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। जी हाँ, ये वही टॉपिक है। एक बच्चा कहता है जाओ मुझे आता है। आपको आता है लेकिन 9th क्लास के नजरिए से। जो बातें 11th क्लास में बताने वाली है क्या वो 11th क्लास के नजरिए से जानना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। शुरू करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज का आखिरी टॉपिक जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट। क्या पढ़ना है हमें इस टॉपिक में और क्या जानना है हमें इस टॉपिक में, जिन्हें मेरी बातों को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, ये बिल्कुल भी नया नाम नहीं है, ये बिल्कुल भी नया नाम नहीं है। आपने पहले भी ये नाम सुना है, आपने पहले भी ये नाम सुना है, और आपने ये शब्द जो मैं आप लिखने जा रहा हूं, ये शब्द आपने पहले भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा है कि सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड में और कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में जाने के बाद लिक्विड से वापस गैस में आ सकती है। ये चीज आप अच्छी तरह से सुन चुके हो और कई बार देख चुके हो। फिर आज क्या ऐसा नया मैं आपको बता दूंगा जो 9th क्लास में आपने नहीं पढ़ा? देखो बहुत सारी बातें तो 9th क्लास से मैच करती हुई है, क्योंकि 9th क्लास में एक चैप्टर था आप लोगों का जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और तब आपने 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। तो पहले बेसिक बातें बता देता हूं जो आपको पता है। हम सब जानते हैं कि सॉलिड को जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, मतलब सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, इट बिगिंस टू मेल्ट, यानी वो पिघलना शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो पिघलने के बाद पूरी तरह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसे हम नाम देते हैं मेल्टिंग, और उस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है फ्यूजन। ये बात आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अब हमने ये भी जाना था कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो अगर हम और हीट कर रहे हैं तो जो लिक्विड है वो धीरे धीरे वेपर स्टेट में जाएगा, और लिक्विड का वेपर स्टेट में जाना इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। लेकिन आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ने के अलावा कि क्या होता है मेल्टिंग और क्या होता है बॉइलिंग या क्या होता है वेपराइजेशन, हमने ये भी पढ़ा था कि क्या होता है वो टेम्परेचर जिस पे ये काम हो रहा है। तो सर बात तो वही है ना, मेल्टिंग विल टेक प्लेस एट मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग विल टेक प्लेस एट फ्रीजिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग विल टेक प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बचपन में भी यही पढ़ा है और अभी भी आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए।
11th क्लास में इस टॉपिक को जब समझाने की कोशिश की जाती है या कोशिश की गई है तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की मदद से की गई है। मतलब आप जब मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद किताब खोलोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि किताब में यही सेम बात एक एक्सपेरिमेंट के रूप में बताई गई है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आप घर पे परफॉर्म आराम से कर सकते हो। एक अच्छा खासा आपको थोड़ा सा सेटअप चाहिए, सामान चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्या है सुन लीजिए। एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि आप एक कंटेनर में कुछ बर्फ के टुकड़े लीजिए, बर्फ मींस आइस, समझते हो ना। और बर्फ जब आप लोगे तो उस समय ऑब्वियस सी बात है कि वो सॉलिड है, यानी अभी बर्फ जमी हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि रूम टेम्परेचर पे जैसे आप बर्फ लाओगे बर्फ पिघलना शुरू कर देगी? सही बात है, बर्फ विल इमीडिएटली स्टार्ट मेल्टिंग। इससे पहले कि बर्फ मेल्ट करना शुरू करे आप उसे मेल्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दो। एक बच्चा बोला मतलब ये मैं जो बता रहा हूं सुनो। मैंने कहा आप बहुत सारी बर्फ लीजिए और तुरंत उस बर्फ को स्लोली 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 हीट करो। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कि अचानक से पिघल जाए। स्लोली स्लोली का मतलब कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें दो चीजें आपको नोट करनी है। पहली चीज थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर नोट करना है और दूसरी चीज आपको टाइम नोट करना है। आप क्या करो, हर एक मिनट में टेम्परेचर का जो बदलाव आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना, हर एक मिनट में टेम्परेचर का जो बदलाव आ रहा है उस टेम्परेचर के बदलाव को नोटिस करो। हर एक मिनट में टेम्परेचर का जो बदलाव आ रहा है उस टेम्परेचर के बदलाव को नोटिस करो। अब आपको दो चीजें पता चल चुकी है कि हर एक मिनट में टेम्परेचर कितना बदल रहा है। जब आपका पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाए, एक बच्चा कहता है वो कैसे पता चलेगा मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। पूरा एक्सपेरिमेंट कब हो जाएगा, तब जब आपको बर्फ का टुकड़ा वहां नजर नहीं आएगा। मतलब कहां चला गया, ऑब्वियस सी बात है कि बर्फ को जब आप हीट कर रहे तो वो पिघल गई होगी, वो पिघल गई होगी तो वो लिक्विड बन गई होगी। लिक्विड होने के बाद आपकी हीटिंग का प्रोसेस अभी भी जारी था तो वो उबलेगी, उबलने के बाद वो वेपर स्टेट में जाएगी। जब उबलने के बाद वो वेपर स्टेट में जाएगी तो आपको कहां वहां मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो ये प्रोसेस आपको तब तक ही कैरी फॉरवर्ड करना है जब तक कि आपके बर्फ के टुकड़े पूरी तरह से वेपर स्टेट में तब्दील नहीं हो जाते। जैसे ही आपकी बर्फ पूरी तरह से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे ही आपकी बर्फ पूरी तरह से वेपर स्टेट में तब्दील हो जाएगी, आप समझ जाओ कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एक बच्चा कहता है चलो सर मान लिया कि मैंने ये प्रोसेस कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, आई रिपीट माय सेंटेंस। When some pieces of ice, I repeat my sentence, when some pieces of solid ice are subjected, when some pieces of solid ice are subjected to constant heating, are subjected to constant heating and उनका temperature हर minute, उनका टेम्परेचर या उसका टेम्परेचर हर मिनट नोटिस किया जाता है, तब जब टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर हमें ये मिलता है। ग्राफ प्लॉट करने पर हमें क्या मिलता है ये मिलता है। अब एक बच्चा बोला वो ये क्या चीज है, आइए मैं समझाता हूं वो ये क्या चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ग्राफ क्वेश्चन में आता है एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट। होता क्या है मेरी बात ध्यान सुनना, ये पॉइंट जीरो टाइम है, जीरो टाइम मतलब अभी टाइम शुरू नहीं हुआ है, एंड दिस इज टाइम टी, दिस इज टाइम टी and this is temperature in degree Celsius। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, कहीं आपको ग्राफ टेढ़ा तो नहीं लग रहा? मुझे भी ऐसे लगा कि ग्राफ टेढ़ा है, तो इसे सीधा बना लेता हूं। एक काम करता हूं ना, इतनी प्यारी जगह है इस जगह को यूज करता हूं, क्योंकि यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो आप नोटिस कीजिए कि मैंने बहुत प्यारा सा पहले टेढ़ा था अब सीधा है एक ग्राफ बनाने की कोशिश करी। और ये ओ पॉइंट मतलब ओरिजिन हम सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जीरो मिनट है, मतलब अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस तरफ टाइम विल बी कैलकुलेटेड प्रति मिनट, यानी जो टाइम का कैलकुलेशन है वो एवरी मिनट है, एंड इधर टेम्परेचर विल बी कैलकुलेटेड यानी टी विच विल बी कैलकुलेटेड इन डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। आपने बर्फ का टुकड़ा उठाया और आपने उसको हीट करना शुरू किया, आपको क्या लगता है क्या तुरंत बर्फ पिघल जाएगी? नहीं ना, एक मिनट हो सकता है, दो मिनट
हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन आपने बर्फ कितनी बड़ी ली है, कहीं आपने बहुत बड़ा बर्फ का स्लैब तो नहीं ले लिया, डिपेंड करता है। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा, यानी थर्मामीटर में बर्फ पिघलने के बाद भी ठंडी होती है, आपने देखा होगा। अगर आप बर्फ को अपने हाथों पे भी मेल्ट कर लोगे ना, तो जो पानी आपको प्राप्त होगा वो भी ठंडा ही होगा। अब ये बात जब हमने 9th क्लास में पढ़ी थी तो हमें कैसे पढ़ाई गई थी, 9th क्लास में क्वेश्चन आता था कि इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर देन व्हाई इज द आइस स्टिल कूल आफ्टर मेल्टिंग। हिंदी में समझाता हूं, क्वेश्चन सुनना। अगर एक सॉलिड को लिक्विड में ले जाने का प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने से होता है, तो फिर भाई बर्फ पिघलने के बाद भी ठंडी क्यों होती है, फिर बर्फ गर्म क्यों नहीं होती? जब आपने प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया है तो बर्फ क्यों ठंडी रह गई? पिघलने से पहले भी बर्फ ठंडी थी, यानी जब वो सॉलिड थी, पिघलने के बाद भी बर्फ ठंडी मिली जब वो लिक्विड हो गई। क्यों, क्या रीजन है? रीजन बहुत सिंपल है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को याद आ भी गया हो, लेकिन 9th क्लास में जब हमें ये बात बताई गई थी तो 9th क्लास में इस चीज को कहा गया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी हाँ, यानी बर्फ के टुकड़े को दी गई गर्मी वाली ऊर्जा बर्फ के टुकड़े का तापमान बढ़ाने में खर्च नहीं हुई, रैदर उसे चेंज करने में खर्च हो गई फ्रॉम इट सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो हम ये बोलते हैं व्हाटएवर अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू सॉलिड आइस इज यूटिलाइज्ड इन कन्वर्टिंग इट फ्रॉम इट सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट बट नॉट यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। सो दिस हीट अपीयर्स एज इफ इट इज छुपी हुई। जी हाँ, ये जो हीट हम देते हैं इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये छुपी हुई हीट है। भाई कहाँ चली गई? अगर तुमने दी तो दिखाई क्यों नहीं दी? दिखाई इसलिए नहीं दी क्योंकि उसने अपना असर दिखा दिया लेकिन खुद को नहीं दिखाया। दिस हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसे हमने 9th क्लास में भी बखूबी पढ़ा था। इसका मतलब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है, सिर्फ समय बीता है। तो ग्राफ में ये चीज ओ पॉइंट से होती हुई हमें ए पॉइंट तक नजर आएगी, यानी ओ से ए तक वाला जो हिस्सा है, यहां मैं लिख सकता हूं आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है, यानी ओ से ए तक आते आते, ओ से ए तक आते आते कैन आई से दैट बोथ आइस एंड वाटर will be at same temperature, will be at same temperature, hence they are said to be in thermal equilibrium, यानी ये माना जाएगा कि उनका जो equilibrium है वो thermal है। ये equilibrium word का मतलब आप लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी समझा होगा कि इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या है। वैसे तो देखो बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन सेंस के मतलब की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब है दो चीजों का बैलेंस होना, दो चीजों की सामान्य स्थिति होना। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेगा, या अगर कोई चीज चल रही है तो उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। यानी ओ से ए तक आते आते पानी बन रहा था, बर्फ पिघल रही थी, लेकिन बर्फ के पिघलने और पानी के बनने की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी सेम टेम्परेचर पे। यही वजह है कि ये कहा जाता है कि टिल द टाइम आइस गेट्स मेल्ट एंड द वॉटर डज नॉट बिगिंस टू बॉइल, टिल द टाइम आइस गेट्स मेल्ट एंड द वॉटर डज नॉट बिगिन टू बॉइल वी से that both ice and water are at same temperature because the heat that was absorbed has not yet increased the temperature of the ice, rather the heat that was absorbed has been completely utilized in changing its state from solid to liquid which does not appear to be as a raised temperature। वो जो हीट हमने दी है ना उससे तापमान बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए यहां पे जो हीट होती है उस हीट को नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, ये बातें 9th क्लास में भी बताई गई थी लेकिन शायद इस तरीके से नहीं बताई गई होंगी। आपको पता है कि ये सारी बातें पुरानी बातों से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। अब क्या,
अब ए पॉइंट पे पहुंचकर हमें पानी मिल चुका है, अब हमारा प्रक्रिया या हमारी प्रक्रिया पानी को गर्म करने की या पानी के गर्म होने की शुरू हो चुकी है। अब जो हम हीट देंगे उससे पानी गर्म होगा, हमारे द्वारा दिए जाने वाली हीट से जब पानी गर्म होगा तो पानी भी कोई जादू से गर्म नहीं होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पानी गर्म होके उबलने लगेगा। इसका मतलब कि जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि पानी अचानक से गर्म नहीं होता है। वाटर को गर्म करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तो ले जाना ही पड़ता है। इसका मतलब कि एक बात तो पक्की है कि यहां से ग्राफ बढ़कर यहां जाएगा, यानी मान लेते हैं कि पॉइंट बी पे जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट बी इज 100 डिग्री सेल्सियस जहां पे पानी ने उबलना शुरू कर दिया है। अब ऐसा भी नहीं है कि पानी उबल के तुरंत धुआं बन जाएगा, आप भी जानते हो कि जब पानी उबल रहा होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचकर इट हैज स्टार्टेड टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम सॉलिड टू फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। अब ये काम जादू से होगा या इसमें समय लगेगा? समय लगेगा, यानी पानी 100 डिग्री पे था, पानी 100 डिग्री पे है, पानी 100 डिग्री पे ही रह रहा है और 100 डिग्री पे रहकर खुद को उबाल रहा है, और क्योंकि पानी उबल रहा है तो धीरे 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 जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है, यानी बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आते आते समय बीतेगा लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। और ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है यहां पे, यानी बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये सॉलिड टू लिक्विड कह दिया मैंने, ये लिक्विड टू गैस का फेस है, बिल्कुल सही, ये लिक्विड टू गैस का फेस है। ये वाला जो हिस्सा था ये सॉलिड टू लिक्विड का था, यानी अभी लिक्विड 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 धीरे 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 कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, यानी बीसी पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि पानी बॉयल हो चुका है, पानी बॉयल हो चुका है और सी पॉइंट पे पहुंचकर वो वेपर बन चुका है, यानी ये आपका वेपर फेस है, ये आपका वेपर फेस है, और वेपर फेस भी धीरे धीरे आगे निकल जाएगा क्योंकि वेपर्स आप अच्छी तरह जानते हो स्टीम causes more burns as compared to boiling water, क्योंकि स्टीम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो बढ़ेगा, उसका तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा इस पॉइंट पे आने पर, और यहां पे जो हीट होगी, जैसे हीट यहां कही गई है वही हीट को यहां नाम दिया जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप जो बातें सुन रहे हो ये बातें काफी पुरानी बातों से मिलती जुलती बातें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इन बातों को इस नए नजरिए से बताना बेहद जरूरी था। तो क्या मैंने आपको ग्राफ में समझाया? एक बार ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करो, मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं, जो जो मैंने बोर्ड पे है लिखवाया उस पे एक बार अपनी नजर डालो, और अगर बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें आपको अच्छे से नजर आ रही है तो समझो कि जो चीज मैं समझाना चाहता हूं ना वो आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट, Describe in detail the process of the change of state, taking an example of water, and what is the meaning of latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Explain it with the help of a graph between the temperature T degree Celsius and the time T minutes. तो आपके सामने मैंने किया, यानी शुरुआती दौर में समय बीत रहा था, तापमान नहीं बढ़ रहा था, उसके बाद समय बीत रहा था, तापमान भी बढ़ रहा था, तब तक के जब तक कि वो बॉइलिंग पे ना पहुंच गया। बॉइलिंग पे पहुंचकर जो हीट आपने दी वो हीट से पानी तो गर्म था ही, अब पानी गर्म से और गर्म नहीं हो रहा था, रैदर पानी गर्म से भाप में जा रहा था, यानी वेपर में जा रहा था। तो किसी ने पूछा अगर पानी गर्म और नहीं हो रहा था और पानी उबल रहा था तो फिर जो हीट हम दे रहे थे उससे क्या हो रहा था? तो जवाब यह आता है कि पानी भले ही उबल रहा था, पानी भले ही गर्म हो रहा था, जो हीट हम दे रहे थे उससे पानी भाप बन रहा था, इसलिए जो हीट हम दे रहे थे उससे पानी का तापमान नहीं बढ़ रहा था, रैदर समय बढ़ रहा था। तो हीट जो आपको मिली वो छुपी हुई हीट मिली और उसे नाम दिया गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बात समझ आई। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि इसका मतलब कि सर जिस टेम्परेचर पे पानी जो है
वो बॉयल हुआ, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हुआ वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको दिमाग में बिठानी है। एक पॉइंट जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां, आई रिपीट माय सेंटेंस, जहां सॉलिड एंड लिक्विड, जहां सॉलिड एंड लिक्विड बोथ अकर एट थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी दोनों का एक दूसरे के साथ टेम्परेचर बैलेंस रहता है। और ठीक उसी तरह मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां लिक्विड, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जहां लिक्विड एंड गैस आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, कुछ बातें आप एकदम सही सुन रहे हो। एक बच्चा कहता है, नहीं सर मुझे तो सारी बातें सही सुनाई दे रही है। हाँ यार, मैं कौन सा आपको कोई बात अलग या अटपटी बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है वही सिखा रहा हूं और मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रहा है। जहां लिक्विड एंड गैस आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जब किसी टॉपिक का कोई आखिरी वीडियो लेक्चर होता है ना, तो मुझे थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। क्यों? कि एक तो नई चीज को शुरू करने का मौका मिलता है और पुरानी चीज को खत्म करने की सेटिस्फेक्शन यार अपने आप में हर टीचर के पास होती है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है कि वो इस टॉपिक को इतने समय में खत्म करा पाया, अपने बच्चों का सिलेबस कवर करा पाया। तो वही चीज करने में आज मैं कामयाब हुआ हूं। मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज का ये आखिरी वीडियो लेक्चर आपके साथ आज शेयर किया है और अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ बातें बतानी और बाकी सुनते रहो। और बहुत जल्द मैं शुरू करूंगा हमारी बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आखिरी भाग। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार बल्क प्रॉपर्टीज बहुत टाइम ले रही है, तो आपका सोचना गलत नहीं है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। मैं पहले ही कह चुका हूं, पूरे फिजिक्स के सिलेबस में सबसे लंबी चलने वाली यूनिट का नाम ही यही है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और बहुत सारे टीचर्स इसमें कुछ टॉपिक्स को खाने की कोशिश करते हैं या ना कराने की कोशिश करते हैं, और सबका अपना अपना कारण होता है। मेरे पास नहीं है कोई कारण, मैं तो कराऊंगा। तो दिस इज द रीजन दैट why I want to cover each and every topic, और जो नहीं करा रहा हूं वो यहां नहीं करा रहा हूं, लेकिन आगे जरूर कराऊंगा, क्योंकि इसका तालुकात है, मतलब इस यूनिट के बाद पढ़े जाने वाली जो अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें यहां शामिल किया गया सिलेबस में, लेकिन बताया गया दोनों जगह, तो वहां बताने में ज्यादा फायदा है क्योंकि वहां उसकी ज्यादा एप्लीकेशन है। अब मैंने मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र किया, बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र किया। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि फ्रीज हो रखा है पानी, और उसी पॉइंट के बाद थोड़ा सा हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को मेल्टिंग पॉइंट भी कंसिडर कर लिया जाता है। बट आपको क्या लगता है 0 डिग्री सेल्सियस वाकई में पानी मेल्ट हो जाएगा, मतलब वाकई में बर्फ मेल्ट हो जाएगी? देखो, मेल्टिंग का जो प्रोसेस है ना, उसके लिए सिर्फ टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेशर ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, खास करके मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बर्फ के टुकड़े के पिघलने के प्रोसेस में प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक बच्चा बोला, प्रेशर का बर्फ के पिघलने में इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों भाई? बर्फ का पिघलना तो टेम्परेचर से है, आप हीट दोगे तो बर्फ पिघल जाएगी। ऐसा नहीं है बच्चों, प्रेशर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके प्रेशर कुकर में, ऊपर से कुकर बंद नहीं करोगे ना, तो खाना हीट तो लेगा लेकिन पकेगा नहीं, क्योंकि उबालने में प्रेशर कुकर में प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सवाल आता है, सर कैसे? हम जानना चाहते हैं। इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी की गई, और वो एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहूंगा जादूगरों के द्वारा। जी हां, जहां मैजिक शोज होते हैं ना, मैजिक शोज में वो एक्टिविटी की जाती है। अब लोग कहते हैं, वाओ मैजिक, ये तो जादू हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो जादू नहीं होता, वो प्योर साइंस है। क्या प्योर साइंस है, मैं बताता हूं। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इसे मैं मिटा रहा हूं, और जो एक्टिविटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस एक्टिविटी की हेडिंग अगर मैं आपको लिखूं, तो उस हेडिंग का नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बर्फ के पिघलने पर प्रेशर का क्या फर्क है। अब सुनो मेरी बात, हमने एक बर्फ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा लिया, बर्फ की स्लैब समझते हैं, इस तरह से एक बर्फ की स्लैब ली, और इस बर्फ की स्लैब को
इस बर्फ की स्लैब को मैंने एक वुडन बॉक्स पे रख दिया इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बर्फ की स्लैब को मैंने संभाल के रखा। ये मेरा वुडन का बॉक्स है, दिस इज वुडन बॉक्स, ठीक है, और ये हमारी आइस की स्लैब है। इस आइस की स्लैब ऑफ आइस, इसको मैंने कहा स्लैब ऑफ आइस, थिक स्लैब, रादर मुझे कहना चाहिए थिक स्लैब ऑफ आइस। सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट जिसपे उसको रखा गया, सपोर्ट टू एंड दिस इज सपोर्ट वन। अब करना क्या है, आप एक तार का टुकड़ा लीजिए और तार के टुकड़े को बर्फ के ऊपर से ऐसे ये और एक हिस्सा वहां से, यहां पे एक छोटा सा सामान यानी यहां पे वेट लटका दीजिए, यहां पे वेट लटका दीजिए, मान लीजिए ये 5 केजी का वेट है, ये 5 केजी का वेट है। अब आप खुद सोच के देखो, जब आप इस वेट को यहां लटकाओगे आपको नहीं लगता कि इसका प्रेशर नीचे बर्फ पे काम करेगा? यस और नो? बिल्कुल काम करेगा। इस प्रेशर से क्या होगा, ये हिस्सा नीचे नीचे आएगा और बर्फ को चीरने की कोशिश करेगा। अब होता क्या है, सुनना मेरी बात, होता क्या है मैं समझा रहा हूं। बर्फ की स्लैब के ऊपर हम जैसे ही तार रखते हैं, तार ऊपर से बर्फ को चीरती है और बर्फ फिर ऊपर से मेल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है, बर्फ वांट्स टू रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, यानी बर्फ पिघल तो रही है लेकिन जम भी रही है। तो हुआ ये कि जब आपने ऊपर से प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगाने से बर्फ का उतना हिस्सा मेल्ट हुआ, उसे मौका मिला नीचे आने का, फिर ऊपर वाला हिस्सा फ्रीज हो गया वापस, फिर उसके नीचे वाला हिस्सा मेल्ट हुआ वो और नीचे आ गया, फिर ऊपर वाला हिस्सा फिर फ्रीज हो गया, उसे और प्रेशर मिला वो और नीचे आ गया। आप नोटिस करोगे थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा तार का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, मतलब आर पार, जी हां आर पार, बिना बर्फ टूटे, जी हां बिना बर्फ कटे, जी हां बिना किसी उसमें दरार आए, जी हां। अब बताओ देखने वाले को मैजिक नहीं लगेगा क्या? लेकिन आपको क्या लगता है, इज इट रियली मैजिक गोइंग ऑन हियर? एक्चुअली नॉट, ये कोई जादू वादू नहीं है, इट्स प्योर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कि भैया प्रेशर लगाने पर जो आपका आइस है वो मेल्ट हो रहा है, यानी प्रेशर लगाने पर उसे मेल्ट करने में आसानी हो रही है, तभी तो यहां लिखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस। बात समझ आ रही है? तो अब ये जो प्रेशर है ना, ये चीजों के सिर्फ मेल्टिंग में ही मदद नहीं करता है, बॉइलिंग में भी मदद करता है। आप खुद सोच के देखो, बॉइलिंग कैसा प्रोसेस है? बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी को गर्म करते हो और वो तुरंत वेपर स्टेट में जाता है, लेकिन अगर उस चीज को ऊपर से कोई रोक दे, प्रेशर लगेगा, तो क्या वेपर स्टेट में जाना आसान है? नहीं। यही वजह है कि प्रेशर कुकर में किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और खाना बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं ना भाई चीजें पके, कच्ची चीज किसको पसंद है, अब खुले में रख के पकाओगे तो पकने में बहुत टाइम जाएगा। यही वजह है कि हिल स्टेशन पे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, इसलिए जो हीट आप देते हो वो एक्यूमुलेट होने की बजाय एस्केप होती है। और ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई, या आप कह सकते हो एक एग्जांपल बताया, इसे हम कहते हैं रेलीगेशन। एक बच्चा कहता है रेलीगेशन मतलब क्या है? मतलब ये कि फ्रीजिंग ऑफ द आइस अगेन, आई रिपीट माय सेंटेंस, फ्रीजिंग ऑफ आइस अगेन ऑन मेल्टिंग, यानी मेल्ट होने के बाद वापिस से जमना, ऑन मेल्टिंग ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर पड़ने से अगर बर्फ मेल्ट होती है और उसका वापिस से जमना, इज कॉल्ड एज रेलीगेशन। और यही चीज होती है आइस स्केटिंग के दौरान। अब ये मत कहना कि आपको आइस स्केटिंग नहीं पता, आइस स्केटिंग सब बच्चे जानते हैं क्या होता है। तो बर्फ पे स्केटिंग करने समय या करते समय स्केट्स का प्रेशर लगातार बर्फ को पिघलाता है, लेकिन फिर भी लगातार वहां स्केटिंग चलती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बर्फ प्रेशर के कारण जब पिघलती है तो वापस से जमती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेलीगेशन, क्योंकि तापमान वही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर वही है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। अब 0 डिग्री सेल्सियस के मैं आगे जाता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस के आगे जाके, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, आप अच्छे से जानते हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा आगे जाके 0.01 डिग्री सेल्सियस पे देखा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद 0.01 डिग्री सेल्सियस पे देखा गया है कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट आर पॉसिबल और आर कैपेबल ऑफ को एग्जिस्टिंग टूगेदर। बच्चा बोला मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि 0.01 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं।
पॉसिबल है पानी के लिए इस टेम्परेचर पे, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेम्परेचर है. सो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन को एग्जिस्ट टूगेदर इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट. और पानी का ट्रिपल पॉइंट मैं बता चुका हूं 0.01 डिग्री सेल्सियस. आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ आई. अब सवाल ये आता है, सर आपने कहा था कि आज का ये वीडियो लेक्चर थर्मल प्रॉपर्टीज का आखिरी वीडियो लेक्चर है, लेकिन आपने ये भी कहा था कि इस वीडियो लेक्चर में आप कुछ ऐसे टॉपिक्स नहीं पढ़ाओगे जिनका जिक्र आगे आने वाली अगली यूनिट यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में होगा. वो टॉपिक्स क्या है जरा बताओ. पहला टॉपिक है कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो लेक्चर में नहीं किया है. थर्मोडायनेमिक्स में भी उसका जिक्र थोड़ा थोड़ा किया जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक नहीं माना गया है एज पर सीबीएसई सिलेबस. कॉम्पिटिशन में इसके ऊपर सवाल कभी कभी आ भी जाते हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं, वैरी करता रहता है, वक्त वक्त दर बदलता रहता है. जरूरत पड़ने पर आपको जरूर कराया जाएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर यानी कि सीपी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी कि सीवी और उनके बीच का एक रिश्ता जिसे कहा जाता है मेयर्स फॉर्मूला. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एंड गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी. ये सारी बातें आप जरूर पढ़ोगे. ऐसा नहीं है कि ये बातें आप नहीं पढ़ोगे, ये बातें आपको बताई जाएंगी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से बताई जाएंगी. तो थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट का थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी बल्क प्रॉपर्टी चल रहा है और बल्क प्रॉपर्टीज का आखिरी भाग अब शुरू होगा क्योंकि आज थर्मल प्रॉपर्टीज खत्म. द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू इज गोइंग टू बी द वीडियो लेक्चर नंबर 19 बट इज गोइंग टू बी अ वीडियो लेक्चर नंबर पहला ऑफ अ न्यू टॉपिक लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 7 बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट कैसे ट्रांसफर होती है और हीट के ट्रांसफर होने के डिफरेंट मेथड्स क्या है. तो बस आपको फिर से कराऊंगा थोड़ा सा ही इंतजार क्योंकि लौट के आऊंगा फिर से मैं एक और बार और इस यूनिट के अगले भाग को आगे बढ़ाऊंगा. मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. देखते रहिए, समझते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए. अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो करना ना भूले. जी हां मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, वंस अगेन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.